सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मेडिकल स्टोर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में पैरासीटामोल सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामोल सिरप यानी कि किस तरीके से बेबी को दिया जाता है फ्रेंड्स, और क्या इसके डोजेस रहते हैं, किस तरीके से ये काम करता है फ्रेंड्स, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पैरासीटामोल सिरप है, यानी कि जो कि 60 ml यानी कि 60 ml में ये आता है फ्रेंड्स। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए सिरप है फ्रेंड्स। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे बच्चे को, बेबी को बुखार आ जाता है फ्रेंड्स, यानी कि बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बेबी परेशान करता है, रोने लगता है, बहुत उसको दिक्कत होती है। तो अगर जैसे कि बच्चे को अगर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप इस पैरासीटामोल को सिरप को आप दे सकते हो फ्रेंड्स। इसका नाम है पैराफ्रेंच, नाम से ये आता है फ्रेंड्स, मार्केट में ये अवेलेबल है। और इसका ये साल्ट है यानी कि पैरासीटामोल है। तो इस तरीके की अगर जैसे कि बुखार आना, फीवर आना बच्चे को अगर आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप इस पैरासीटामोल का ज़रूर इस्तेमाल करें डॉक्टर के सलाह से फ्रेंड्स। और कंपोजिशंस की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके जो कंपोजिशंस हैं, यानी कि फ्रेंड्स का ईच 5 ml कंटेंट्स, यानी कि पैरासीटामोल जो है इसमें फ्रेंड्स 125 mg यानी कि 125 mg इसमें पैरासीटामोल दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे बच्चों को, बेबी को अगर फीवर से रिलेटेड अगर कोई परेशानी अगर हो रही है, तो आप इस पैरासीटामोल सिरप का ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इसका यूज़ करें फ्रेंड्स। इसके बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है फ्रेंड्स। तो किस तरीके से ये दिया जाता है, किस तरीके से नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स, और ये जो है जैसे कि फ्रेंड्स, ये तो बच्चे के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या डोजेस की रहती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप डॉक्टर की सलाह से ही अपने बेबी को, अपने बच्चे को इसका इस्तेमाल कराएं, इसका यूज़ करें अगर कोई भी फीवर से रिलेटेड अगर परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।